आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए प्रश्न हमारा इस प्रकार से है, दैहिक तथा जर्मिनल विभिन्नताओं में अंतर बताइए। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। दैहिक एवं जर्मिनल विभिन्नताएं क्या होती हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या दैहिक, और यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या जर्मिनल। क्या हो जाएगा? जर्मिनल विभिन्नताएं। तो इन्हें हम देख लेते हैं। पहला हमारा क्या है, दैहिक, और दूसरा है जर्मिनल। दैहिक को हम क्या बोलते हैं, उपार्जित भी बोल सकते हैं हम इसको। क्या बोलेंगे? उपार्जित। और इसको हम बोलेंगे क्या जर्मिनल को, या जर्मिनल या वंशागत। ये कैसे होते हैं? वंशागत होते हैं। अब देख लेते हैं इनके बारे में क्या अंतर हो सकते हैं। देखिए दैहिक क्या होता है, वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न हुए परिवर्तन क्या कहलाते हैं? दैहिक परिवर्तन। पहला हो जाएगा वातावरण के प्रभाव से उत्पन्न, प्रभाव से उत्पन्न। अब इसमें क्या होगा, ये जो जर्मिनल है ये कैसे होते हैं, ये जीन के ढांचे में परिवर्तन के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? जीन के ढांचे में परिवर्तन के द्वारा, में परिवर्तन से उत्पन्न होते हैं। दूसरा हो जाएगा इसमें हमारा क्या, कि इनका जो प्रभाव होता है वो देह द्रव्य तक रहता है। क्या रहता है? इनका जो प्रभाव है, प्रभाव देह द्रव्य, देह द्रव्य, इसको हम क्या बोलेंगे? सोमेटोप्लाज्म, सोमेटोप्लाज्म तक होता है, तक सीमित रहता है या होता है। और इसमें क्या होता है, इसका जो प्रभाव है वो जीव के जनन द्रव्य पर पड़ता है। किस पर पड़ता है? जीव के जनन द्रव्य, या इसी को हम क्या बोलेंगे? जर्म प्लाज्म। क्या बोलेंगे? जर्म प्लाज्म पर पड़ता है। अब देख लेते हैं तीसरा इसमें ये हो जाएगा, तीसरा इसमें ये हो जाएगा कि लैमार्क ने इन्हें क्या कहा, दैहिक वालों को। लैमार्क ने इन्हें उपार्जित लक्षणों की वंशागति नाम दिया। क्या दिया? लैमार्क ने इन्हें उपार्जित लक्षणों, उपार्जित लक्षणों की वंशागति कहा, कि वंशागति कहा। और यहाँ पर देखिए जर्मिनल या जो हमारे वंशागत होते हैं परिवर्तन, उनके बारे में लैमार्क ने या डार्विन ने कुछ नहीं कहा। लैमार्क और डार्विन दोनों ने ही कुछ नहीं कहा। लैमार्क और डार्विन किसी ने भी कुछ नहीं कहा। चौथा देख लेते हैं यहाँ पर, इनमें ये हो जाएगा कि ये जो परिवर्तन होते हैं हमारे दैहिक वाले या उपार्जित, ये कैसे होते हैं? ये वंशागत नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? वंशागत नहीं होते हैं। ये वंशागत नहीं होते हैं, मतलब कहने का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते हैं, वंशागत नहीं होते। और ये वाले जो लक्षण होते हैं, अगर किसी की जीन के ढांचे में परिवर्तन हो गया ना, तो ये लक्षण कैसे होते हैं? ये वंशागत होते हैं और अगले आने वाली पीढ़ी में देखने को मिलते हैं। ये कैसे होते हैं? वंशागत होते हैं, होते हैं। अब हम इनके उदाहरण देख लेते हैं क्या क्या हो जाएंगे इसमें। देखिए क्या होगा उदाहरण, इसमें उदाहरण ये हो जाएगा। अब दैहिक है तो ये कैसे होंगे? ये वातावरण के प्रभाव के कारण है, तो ये क्या हो जाएगा? जैसे कि धूप में त्वचा का रंग काला होना, ठीक है। क्या है? धूप में त्वचा का रंग काला होना, त्वचा का रंग काला होना। दूसरा हो जाएगा इसमें ये, शिक्षा के साथ बुद्धि का विकास, शिक्षा के द्वारा या साथ बुद्धि का विकास, बुद्धि का विकास। अब यहाँ पर देख लेते हैं इसमें क्या हो जाएगा। इसमें जो होंगे हमारे उदाहरण वो ये हो जाएंगे, जैसे कि जीन में ढांचे में परिवर्तन में जो होते हैं लक्षण, जिस तरह से वो होते हैं, वो जन्मजात होते हैं। जैसे कि नेत्र की पुतली का रंग, नेत्र की पुतलियों का रंग, नेत्र की पुतलियों
का रंग, और क्या हो जाएगा इसमें, और हो जाएगा जैसे कि शारीरिक लंबाई, शारीरिक लंबाई, लंबाई। तो ये हो जाएंगे इसके क्या उदाहरण। और ये था हमारा आज का प्रश्न, जिसमें हमने आपको दैहिक और जननिक विभिन्नताओं में अंतर बताया। तो ये था गाइस हमारा आज का प्रश्न, आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।